हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज संडे है तो मैं गई थी चर्च, तो चर्च से जाके जल्दी ही वापस आ गया। तो पम्बाइलू को लंच बना देगा बोल के, तो अभी कॉल किए तो वो लोग ईटानगर में खा लेगा बोला है, लंच को उधर में कर लेगा बोला है, तो पहुँच जाएगा तब तो हम नए बना देगा बोल के तो हम बात कर लिया। तो ऐसे आज दिन ही ऐसे ही रहेगा, कुछ तो स्पेशल नहीं है। तो पम्बाइलू शाम को आ जाएगा, तब तक रुकेगा। अभी दिन में क्या क्या काम होगा मैं कर लेती हूँ, आप लोग वीडियो पे बने रहिए। यहाँ पे कुछ मीट बन रहा है, मेरा हब भी बना रहा है, और यहाँ में ये एमए में होता है, ये नदी का सामने में होता है ना ये वाला, इसको ओजी बोलते हैं हमने भाषा में। तो इसको अभी आज बनाएगा। कौन क्या खा रहा है आज, आप क्यों नहीं गए संडे स्कूल? नींद ज़्यादा प्यारा हो गया ना, प्यारी हो गया ना। बाप तो इतना ज़्यादा खा के रखा है, कौन इतना ज़्यादा खाया है? आए हाँ बाबू, अच्छा है, शुगर केन अच्छा है, हेल्थ। यहाँ पे बनाना खा रहा है, यही चलेगा आज। यहाँ पे वही सब्जी को धो रहा है, इसको ना इसका दाल को टुकड़ा करो। हाँ मैंने इतना लंबा लंबा है ना, यहाँ से टुकड़ा करो। ये बहुत टेस्टी होता है, एकदम बढ़िया होता है, इसको पानी कम डाल के बनाता है। तो आज मेरा मैं भी लड़की लड़की जैसा लग रहा है, हमेशा लड़का जैसा लगने लगा, उस तरह लड़की लग रहा है। कहाँ पे है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, हम भी अभी तक नहीं मिला है। वेयर इज जैमी, वेयर इज जैम जैम? चलो मिलते हैं जैमी तो यंग तग्गू से। वेयर इज जैमी, वेयर इज जैमी? जेमी यहाँ पे देख रही है, क्या देख रही है? रैम्स, रैम्स देख रही है। और यहाँ पे भैया ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं बकरी को? आप कश्मीर जा रहे हैं ना, मामा को मिस करेगा सबसे ज़्यादा, किसको मिस करेगा? पुली। ओ बहन को सबसे ज़्यादा मिस करेगा, दैट मीन्स मामा को मिस नहीं करेगा ना? नहीं पता, मम्मा तो बहुत गाली देते हैं ना, इसलिए मिस नहीं करेगा वो ना, है करेगा। बस मेरा बेटा नेक्स्ट टाइम हॉस्टल जा रहा है। ये है आमू, जेम जेम, जेम जेम गोडे बू बू। देखो कल जेब भी गिरा है, हम लोग मार्केट गया था तो हम उसको अच्छे से केयर नहीं कर पाए, हम सामान का ज़्यादा सामान लोडेड होने की वजह से हाथ में, तो ये गिर गया। इसको ही दिखाते रहते कुछ बीच में, जेमी गोटे बू बू लगाना। चर्च से आ गया, हम दोनों बहुत देरी से हमें रुक रहे हैं, ऑनलाइन वाला आएगा बोल के कुछ सामान डिलीवरी आया है शायद, तो हम दोनों यहाँ पे रुक रहे हैं, इतना देरी से रुक रहे हैं, लेकिन अभी भी नहीं आए, बहुत देरी हो। वो वहाँ से हम लोग को देख के रो रहा है, वो सोच रहे हम लोग कहीं जा रहे बोल के, वहाँ से नामेगा बोल के रो रहे है। और हम उसको छोड़ के हमेशा जाता है ऑफिस बाज़ार वगैरह जाता है, अभी तो बहुत डर ये हो रहा है, चिंता हो रहा है कि हम फिर कहीं जाएगा बोल के। हम आ रहे पीपी, आई एम कमिंग। फाइनली जेमी आ गया नीचे, डिलीवरी बॉय अभी तक आया नहीं है, लेकिन जेमी आ गया। हम लोग जो ऑनलाइन डिलीवरी बॉय को रुक रहा था, ये सामान ये है कुर्ती, बहुत सुंदर से आया, मम्मी के लिए ले दिया, बहुत सुंदर से आया। और नुंची का भी कुकी का, आपका दिखाओ तो गाइस को, इसका कार्गो, कार्गो ले दिया, बहुत बढ़िया से आया फ्लिपकार्ट का सामान लोग, बहुत बढ़िया से, जैसे एकदम देखा था मोबाइल ये में एप्स में जैसे देखा था वैसे ही आया, बहुत बढ़िया से आया, मम्मी भी बहुत खुशी है इसके लिए। गाइस अभी मैं सो के ही उठी हूँ, दिन भर चर्च से आके लंच करके थोड़ा सो गया था, क्योंकि बहुत नींद आ गया लंच करने के बाद में, तो सो गया, तो अभी थोड़ा देर पहले उठा, तो उठ के मैंने भाई को कॉल किया, रुपम भाई को, तो अभी अब आएगा क्या यहाँ पे डिनर करेगा क्या के फ़ोन किए, तो वो बोल रहे कि आज नहीं, आज यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ईटानगर पे ही रुकेगा, वहाँ पे टाइशन तक का एमडी का घर में थोड़ा डिनर के लिए बुलाया है, इनवाइट किया है, तो उधर मैं आज रुकेगा और होटल में सो जाएगा बोला है।
अभी मैं बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लेने जा रही हूँ दुकान। अभी काफ़ी अंधेरा हो गया, आजकल विंटर आ रहा है ना, देखिए विंटर आ रहा है तो अभी जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो मैं अभी जा रही हूँ दुकान। इसमें दुकान से आ गई हूँ, सामान लिया बच्चों के लिए स्नैक्स। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करके डिनर रेडी करूँगी। ये सब बच्चों के लिए लेके आई हूँ स्नैक्स और नूडल्स वगैरह, और साथ में ये एक भाई ने दिया मुझे, ये एकदम फ्री में दिया है। इसको देखिए, इसका नाम है युमतर, ट्रेडिशनल टेस्ट एवर, वोकल फॉर लोकल। इसको देख के आप लोग इसका नाम देख के ही मालूम चल जाइए कितना टेस्टी होगा। ये लोकल वे से बनाया है, तो इसका पार पैकेट है 30 रुपीज़, और इसका डेट भी हमें मैन्युफैक्चर डेट भी दिया जाता है, और वैलिडिटी कितना तक इसका रहेगा उसको भी दिया जाता है। तो आप लोग इसको टेस्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। मेरे घर में अभी यही चलता है, बच्चे लोग टिफिन पे भी अगर फ्राई राइस खाते तो इसको ही ले जाता है, इसको साथ में ऊपर में गार्निश करके मैं डाल देती हूँ। बहुत ही टेस्टी है, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिए ये युमतर। गाइस अभी शाम हो गया, डिनर बनाने का टाइम हो गया, तो मैं डिनर बना रही हूँ, और मैं क्या क्या बना रही हूँ चलिए आपको दिखाती हूँ। ये मैं बना रही हूँ चुरपी, यहाँ पे कैप्सिकम डाला है, और स्मोक पोर्क डाला है, और पोटैटो डाला है मतलब, उसके बाद चिल्ली, और थोड़ी देर के बाद चुरपी डाल दूँगी। और यहाँ पे वाइल्ड वेजिटेबल बना रही हूँ मैं, बहुत टेस्टी वाइल्ड, इसको ओजी बोलते हैं हम लोग भाषा में। गाइस देखिए चुरपी डालने के बाद कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, देखिए स्मेल भी बढ़िया आ रहा है। एक्चुअली ये चुरपी का रेसिपी मैंने मेरा बहन से सीखा है, मेरी छोटी बहन से मैंने सीखा है। हम लोग का डिनर हो गया, अभी जेमी का डिनर चल रहा है। जेमी डिनर में अभी सिर्फ नूडल्स खा रहा है, आजकल जब से फीवर हुआ था इतना ये नहीं खा रहा है, इतना चावल नहीं खा रहा है। तो देखिए जेमी अपना टॉयस लोगों, अपना खिलौना लोगों कैसे करके फैला के रखा है, देखिए। जेमी नम 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 नम। तो गाइस आज का ब्लॉग इतना तक ही रहेगा, कंटिन्यू मेरे ब्लॉग पे रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मेरे अगली ब्लॉग पे, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय सभी, बाय बाय, तो से बाय बाय, मैं बाय बाय करो, गुड नाइट करो।